Join everyone. Join everyone, जल्दी से join करें सभी बच्चे। Very good. Good morning, everyone. हाँ भाई बच्चों, कल हमने कहाँ तक किया था? पहले हम आरडी शर्मा करेंगे, ठीक है? आरडी शर्मा की हम एक्सरसाइज कर रहे थे, फोर पॉइंट थ्री। पहले हाफ टाइम आरडी शर्मा करेंगे, क्लास सिक्स्थ एक्सरसाइज 4.3 आरडी शर्मा, इसके बाद आरडी शर्मा, ठीक है? क्वेश्चन वन कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन टू सुटेबल अरेंजमेंट। इसमें क्या है? मल्टीप्लाई बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट्स। सुटेबल रीअरेंजमेंट से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। फर्स्ट पार्ट 2 इंटू 1497 1497 इंटू 50, ठीक है? तो उनकी मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें 100 आए, ये लास्ट में जीरो, 2 इंटू 50 लिख दें इसको ना, तो 1497 इंटू 100, तो 1497 00, ठीक है? सेकेंड पार्ट
4 into 25 की मल्टीप्लाई 100 आती है, इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई 100 आई थी, ठीक है, तो ये 100 और 358 00, तो रीअरेंजमेंट से मल्टीप्लिकेशन क्या पड़ी, आसान पड़ी ना ये, four ninety five, six twenty five, sixty. इन दो की 625 की 16 से मल्टीप्लाई करो, ₹10,000 आएगा, ₹10,000 आएगा ना, तो 495 नेक्स्ट है 625 20 850 625 20 850 देखो इन दोनों की कर दो और इन दोनों की 625 की 8 से और 20 की 50 5000 आएगा और ये 1000 तो 5 के बाद 6 थी, दिस इज योर आंसर। हां जी बच्चों क्लियर हुआ सभी को, क्वेश्चन नंबर 3, 11:30 तक हम आरडी शर्मा करेंगे, 11:30 से 12 आरएस अग्रवाल करेंगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ होल नंबर्स, यूजिंग distributive property of multiplication property of multiplication over addition find the products, हमें ये प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? मेरी आवाज क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, 736 की मल्टीप्लाई 130 से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a इनटू b प्लस c, a की मल्टीप्लाई b प्लस c से करेंगे तो क्या आएगा, ये a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई
सी। तो फर्स्ट है 736 की मल्टीप्लाई 103 से, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 736 100 प्लस 3, तो 736 इंटू 100 और 736 इंटू 3, 736 डबल 0 22 कितना आएगा 75808 कितना आएगा 75808 और 258 की मल्टीप्लाई 1 एक बार रिफ्रेश करो स्क्रीन पर क्लियर है स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है रिफ्रेश करो उसको इसको 258 इंटू 1000 प्लस 8 कितने हैं 258 की मल्टीप्लाई 1000 से और 258 की मल्टीप्लाई 8 से 258000 ये 2064 ठीक है 260064 ये आंसर है एक मिनट मैंने स्टेटमेंट गलत लिखी क्या 258000 6446 40 40 20 तो 258000 2064 10 6 2 0 0 ठीक है ठीक है हमारा आंसर नहीं वो बुक में ही गलत दे रखा है दोनों पार्ट रिपीट करके दे रखे हैं इसके दो ही पार्ट करने हैं बस थर्ड पार्ट सेम दे रखा है तो काट दो उसको ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 अब सब्ट्रैक्शन वाली यूज करनी है सब्ट्रैक्शन वाली जैसे 736 इंटू 93 अब 93 को मैं क्या लिखूंगा 1 मिनट वेट करना
इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 900 माइनस 3 100 माइनस 7 एक मिनट इसको ये हटा दो ये नहीं रखा ठीक है आप करेंगे केवल प्रोडक्ट निकालना है 93 को मैं क्या लिख सकता हूं मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है 100 माइनस 7 लिख दिया 736 इनटू 100 और 736 इनटू 7 42 to 4 21 4 25 2 51 515 तो 7 3 6 0 0 5152 माइनस करो 10 में से 7 3 6 0 0 5152 10 में से 2 माइनस किया 9 9 में से 5 माइनस किया 4 5 में से 1 माइनस किया 4 13 में से 5 माइनस किया 8 6 684 48 क्लास 12 बजे सेकंड पार्ट 8160 मल्टीप्लाई 743 से 745 से इसको ऐसे लिख लो 700 प्लस 40 प्लस 5 लिख सकता हूं ना वैसे सात सौ प्लस चालीस प्लस पांच तो 816 की 700 से फिर 816 की 40 से फिर 816 की 5 से 0 0 5 7 1 2 0 0 है ना 0 0 ठीक है फिर 0 64 32 और 0 8 40 इन सबको ऐड करो यहां पर 5 7 1 2 0 0 32 640 और 40 80 0 12 9 7 60 607920 607920 समझ में आ रही है बात कोई डाउट किसी बच्चे को थर्ड का थर्ड पार्ट फोर्थ का थर्ड पार्ट
2032 की मल्टीप्लाई 683 613 को 600 प्लस 10 प्लस 3 लिखते हैं 613 को क्या लिखते हैं 600 प्लस 10 प्लस 3 तो 2032 की मल्टीप्लाई 600 से 2032 की मल्टीप्लाई 10 से और 2032 की मल्टीप्लाई 3 से 0012 121 9200 20320 और 6096 ऐड कर दो इनको यहां पर 12 19 200 20 320 और 6096 6 11 1 6 15 4 12 1 2 4 5 6 1 6 बस एक क्वेश्चन और कराऊंगा फिफ्थ एक दो क्वेश्चन और करवाने बस 5-7 मिनट हो गए क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट (493 × 8 + 493 × 2) ऐसे लिख लो 493 कॉमन आ गया क्या बच गया 8 + 2 यानी 493 × 10 यानी 4930 मेरी तरफ से स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है तुम एक बार रिफ्रेश करो मेरी तरफ से स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है टू फोर फाइव सेवन नाइन इसको इसको देखो क्या ये पार्ट कॉमन आ रहा है 2 4 5 7 9 × क्या बच गया 93 + 7 और 93 + 7 क्या होता है 100 2 4 5 7 9 0 दिस इज द आंसर क्लियर हो गया बच्चों को समझ में आ गया किसी बच्चे को डाउट
नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ का थर्ड पार्ट 1, 5, 6, 8 1, 5, 6, 8 into 84 तो 1, 5, 6, 8 कॉमन 184 -84 है ना 1, 5, 6, 8 कॉमन नहीं आ गया इसमें से इसको ऐसे कर लो 1, 5, 6, 8 इनटू ये कितना बचेगा 100 तो 1, 5, 6, 8, 00 फिफ्थ का फोर्थ पार्ट 15, 625 और 5, 625 ये कॉमन आ गया ये बचेगा ना और 15, 625 चार दिन This is your answer. नहीं ये आरडी शर्मा तो इसके हमने क्वेश्चन नंबर किए 2, 3, 4, 5 सिक्स और सेवन तुम खुद से ट्राई करोगे सिक्स और सेवन तुम खुद से ट्राई करोगे ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स तुम्हें खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ ठीक है हाँ अब हम करेंगे आर एस अग्रवाल निकालो सही बच्चे आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन थ्री का फर्स्ट पार्ट 647 इनटू 13
647 इनटू 7 देखो इसमें से 647 कॉमन आएगा 13 प्लस 7 20 12940 ठीक है बच्चों सेकंड पार्ट 8759 इनटू 94 8759 इनटू 6 8759 कॉमन 94 प्लस 6 100 8759 डबल 0 मतलब हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके मल्टीप्लिकेशन करनी है ठीक है 6 का थर्ड पार्ट सॉरी थर्ड का थर्ड पार्ट 7459 × 9999 7459 देखो इसके साथ 111999 है तो क्या मैं इसके साथ 1 लिख सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है 1 लिखने में तो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है आओ बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा अब 7459 कॉमन ले रहा हूं तो 999 प्लस 1 लिखेंगे इनटू 1000 7459000 सन्यारी वर्क 1000 बन गया ना ये फिर फोर्थ पार्ट 9870 561 9870 461 9870 कॉमन 561 और 461 है ना दिस माइनस दिस और ये 100 बच गया तो 987000 समझ आ गया ठीक है बच्चों क्लियर टू एवरीवन थर्ड का फिफ्थ पार्ट 569 17
569.13 और 569.70 इसको ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट में 569 कॉमन लिया 17 13 70 सो बन गया ना ये 17 बचा 13 बचा 70 बचा थर्ड का सिक्स पर सोलह आठ सौ पच्चीस और 6825 तो इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो ये कॉमन आ गया सोलह आठ सौ पच्चीस माइनस छ आठ सौ पच्चीस चार जीरो सोलह आठ सौ पच्चीस दिस इज योर आंसर सही बच्चों को समझ में आ रहा है देखो कोई भी बच्चा लीव करके ना जाए लीव कोई नहीं करेगा अटेंडेंस नहीं लग पाएगी अगर तुम लीव करके जाओगे तो अटेंडेंस नहीं लग पाएगी ठीक आ गया समझ में क्वेश्चन फोर का फर्स्ट पार्ट टू इंटू 1658 इंटू 50 सुटेबल रीअरेंजमेंट हमें रीअरेंजमेंट करने हैं अभी नहीं अभी तो बहुत टाइम है रीअरेंजमेंट करके मेरे को मल्टीप्लीकेशन करना है तो मैं 2 और 15 करूंगा ना पहले क्योंकि इनसे 100 आएगा और 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है ठीक है 4 × 927 25 तो पहले 4 और 25 की करेंगे हम 100 आएगा यहां से तो 927 00 625 2850 625 2850 तो 625 की तो
आठ से करो और पचास की बीस से। फाइव थाउजेंड और ये थाउजेंड, तो पांच के बाद छह जीरो आ जाएंगे, पचास लाख बने। समझ में आ गया? फोर्थ का फोर्थ पार्ट 574 625 16, इसमें तो इन दोनों की करेंगे। ठीक है, ये 10,000 आते हैं, तो 574 ट्रिपल चार जीरो। ठीक है, टाइम ओवर नहीं हुआ, 12 बजे होगा टाइम ओवर अभी। टू फिफ्टी सिक्सटी फिफ्टी एट, इन दोनों की कर दो और इन दोनों की कर दो। नहीं ऐसे मत करो, इन दोनों की करो और इन दोनों की। 250 की 8 से और 60 की 50 से, ये 2000 आएगा और ये 3000। भाई ऐसे नहीं होता ना, बीच में अटेंडेंस, पूरी क्लास अटेंड करो। फोर्थ का सिक्स 8 125 40 25, 8 125 40 25, इन दोनों के और इन दोनों की 1000, इन दोनों की भी 1000। टेन लैक आएगी, समझ में आ गया? क्वेश्चन फाइव, फर्स्ट पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 740 की मल्टीप्लाई 105 से, तो इसको 740 को क्या लिखेंगे, 100 प्लस 5, 105 को क्या लिख दे हम, 100 प्लस 5। ठीक है, ठीक है बच्चों,
740 और 105, 105 को मैंने लिख दिया 100 प्लस 5, तो 740 की 100 से भी मल्टीप्लाई और 740 की 5 से भी, ये तो 74,000 हो गया। ये 3700, तो 77700। रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट का मतलब है कि प्रॉपर ग्रुपिंग, ग्रुपिंग इस तरीके से कि मैक्सिमम जीरोस आए उसमें। हमें इस तरीके से पेयरिंग करनी है, ग्रुपिंग करनी है कि उनकी मल्टीप्लाई करने से जीरो बने लास्ट में, ठीक है। समझ में आया? ये वाला कौन सा पार्ट बताना, जल्दी बताओ हर्षित। फिफ्थ का सेकंड पार्ट, टू फोर्टी फाइव वन डबल जीरो एट। इसको 1000 प्लस 8 लिख दें, तो 245 की मल्टीप्लाई 1000 से और फिर 245 की मल्टीप्लाई 8 से, चालीस चार छत्तीस तीन उन्नीस। टू फोर सिक्स नाइन सिक्स जीरो। समझ में आया? फिफ्थ का थर्ड पार्ट 947 × 96। इस 96 को लिख दो, हंड्रेड माइनस फोर, क्वेश्चन फोर का फर्स्ट पार्ट ये था 2 × 1658 × 50। इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 × 50, 2 की 50 से मल्टीप्लाई 100, 1658 00। ठीक है, तो देखिए यहां पर 947 की मल्टीप्लाई 100 से और माइनस 947 की मल्टीप्लाई 4 से, तो ये बनी है 947 00, 28 2, 16 2 18 1, 36 और 1 37। करो सब्ट्रैक्ट। नाइन फोर सेवन डबल जीरो थ्री सेवन डबल एट, दस में से आठ माइनस किया 2,
9 में से 8 माइनस किया 1, 16 में से 7 माइनस किया 9, 3 में से 3 माइनस किया 0, 9, 90 912, 12, ठीक है। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, नाइन नाइनटी सिक्स थ्री सिक्सटी सेवन, इसको लिख लो, थाउजेंड माइनस फोर थ्री सिक्सटी सेवन, तो थाउजेंड इंटू थ्री सिक्सटी सेवन, 4 into 367, 367 triple 0, 10 में से 8 माइनस किया 2, 9 में से 6 माइनस किया 3, 9 में से 5 माइनस 4 माइनस किया 5, 6 में से 1 माइनस किया 5, 36, 10, 10, 10, 67, ठीक है, यही है। हाँ तो क्या करना है अर्पित, अभी 5 मिनट रहते हैं, क्या करूं फिर? अटेंडेंस में अपने आप ले लेता हूं, अटेंडेंस में खुद ले लूंगा, ठीक है। फोर सेवेंटी टू वन जीरो नाइन सेवन, 472 1097, तो देखो इसको ऐसा लिखेंगे हम, 472 1000 प्लस 100 माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 472 1000 से मल्टीप्लाई, 472 100 से मल्टीप्लाई, माइनस 472 3 से मल्टीप्लाई, 472 000, 472 00, 6 21 2 1416, इसको सॉल्व करके बताओ कितना है, ये तुम यहां पर लिख देना, ठीक है। कितना है क्या बताओ, यह आएगा 5 1 7 7 8 4, फाइव 1 7 7 8 4, ठीक है। तो ठीक है भाई, इतना ही करके लाना है तुम्हें, ओके।